बंदा जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। क्यों करना पड़ा था कैटरीना की वॉइस को जब वो कौन से सुपरहिट गाने थे जिन्हें किया गया था कोरिया से कॉपी? जा रही हम आज के अपनी इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक खास खबर। अगर आप भी सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं हमारे साथ इस फील्ड में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए अब देखिए इस बात की शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए रेस एक ऐसी फ्रेंचाइज बन चुकी है जिसका नाम सुनते ही अब लोगों को भरोसा हो जाता है कि लगता है एक ऐसी मूवी आने वाली है जिसमें ताबड़तोड़ सस्पेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, लोग उम्मीद करने लगते हैं कि अब हमें एक ऐसी मूवी दिखेगी जिसमें अंत तक ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन विलेन है और कौन नहीं। खैर, अब मैं रेस की आज के वीडियो में बात करने ही वाली हूँ, तो इससे पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं, है ना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो रेस का पहला पार्ट आया था साल 2008 में, जिसके बाद इसका सीक्वल यानी कि रेस 2 हमें देखने को मिला 2013 में। वहीं रेस 3 आई 2018 में और अब सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब आ रहा है इसका 14th पार्ट यानी कि रेस 4। मैं आप लोगों को किसी फिल्म से रिलेटेड हिस्ट्री बताऊं और कोई फन फैक्ट ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? तो बस इस फिल्म से रिलेटेड भी दो बहुत ही मजेदार फैक्ट्स लग चुके हैं मेरे हाथ। जी हाँ दोस्तों, पहला तो ये कि कैटरीना कैफ की हिंदी रेस की शूटिंग के दौरान उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से शूटिंग पे ही उनके लिए एक ट्यूशन टीचर को हायर किया गया था। लेकिन बावजूद इसके वो अपनी शूटिंग को अच्छे से नहीं कर पाई थी, जिसके चलते फाइनली कैटरीना के सारे डायलॉग्स को करना पड़ गया था डब। और दूसरा ये कि फिल्म के दो सुपरहिट गाने पहली नजर में और जरा जरा टच मी टच मी टच मी को कोरियन एल्बम सारंग हियो और लिहोम वैंग के डीप विद इन अ बैम्बू ग्रोव से डायरेक्टली कॉपी किया गया था। क्या रेस 4 के लिए तो फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ टॉप से लेके बॉटम तक ओरिजिनल देखने को मिले। आगे रेस अपनी प्लॉट लाइन के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है, खैर इसी के साथ वो जानी जाती है अपनी शानदार स्टार कास्ट के लिए। अभी तक तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि रेस 4 में आखिर हमें कौन से कलाकार देखने को मिलेंगे, लेकिन फैंस तो लगाए हुए हैं अपनी टकटकी। देखिए, अगर रेस फ्रेंचाइज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसकी सक्सेस का इसी बात से पता चलता है कि रेस वेंट ऑन टू बिकम द 4th मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड फिल्म ऑफ द ईयर 2008 आफ्टर गजनी रब ने बना दी जोड़ी एंड सिंह इज किंग इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो जी हाँ दोस्तों, रेस फ्रेंचाइज अच्छा खासा पैसा कमा चुकी है और ये होता है उसकी यूनिक प्लॉट लाइन की वजह से। वो क्या है ना दोस्तों, जब हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को ग्रे शेड्स में देखते हैं तो उनसे और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। बस कुछ ऐसे ही विलेन और धोखे की स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैंस इस बार रेस 4 से भी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सैफ की टीम आखिर किसे पैसों के लिए धोखा देती हुई नजर आती है। खैर, आप लोग तो हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के सीक्वल को लेकर। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।